बुनियाद जैसे टीवी सीरियल में अपनी दमदार एक्टिंग के बल पर दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ देने वाले एक्टर मंगल ढिल्लों का निधन हो गया। खून भरी मांग, दयावान, जख्मी औरत समेत करीब 25 फिल्मों में अपने दमदार किरदार से पहचान बनाने वाले मंगल ढिल्लों के अचानक चले जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मंगल ढिल्लों पिछले काफी लंबे वक्त से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। एक्टर यशपाल शर्मा ने उनके निधन के बारे में जानकारी दी। करीब एक महीने से मंगल ढिल्लों का लुधियाना के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को वो हरा नहीं पाए और आज यानी कि 11 जून को इस दुनिया से रुखसत हो गए। 18 जून को मंगल ढिल्लों का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन से ठीक एक हफ्ता पहले वो दुनिया से रुखसत हो गए। पंजाब के फरीदकोट जिले के वांडर जटाना गांव में जन्मे ढिल्लों सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टीवी की दुनिया का भी बड़ा नाम थे। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। रेखा स्टारर फिल्म खून भरी मांग में मंगल ढिल्लों ने एक वकील का किरदार निभाया था। इसके अलावा कई और बहुत से फिल्मों में अपनी एक्टिंग स्किल्स और रौबदार आवाज से वो दर्शकों के मन में अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब हुए थे। दयावान, जख्मी औरत, प्यार का देवता, विश्वात्मा, दलाल जैसी फिल्मों में काम कर उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जिसमें वो कभी वकील तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई दिए। अच्छी पर्सनैलिटी होने की वजह से फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करने से कभी नहीं कतराते थे, लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मंगल ढिल्लों के परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मंगल ढिल्लों ने पंजाब के फरीदकोट जिले के सरकारी स्कूल से ही अपनी चौथी क्लास तक की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश आ गए थे, जहां उन्होंने जिला परिषद स्कूल से आगे की पढ़ाई की और फिर वापस पंजाब लौट गए। पंजाब से ढिल्लों को अलग लगाव था, यहीं जन्मे और यहीं पर अंतिम सांस ली। मंगल ढिल्लों ने पेंटर ऋतु ढिल्लों से 1994 में शादी की। ऋतु ढिल्लों पति मंगल का प्रोडक्शन के काम में भी हाथ बटाती थी। मंगल ढिल्लों एक एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने MDN कंपनी नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिसके बैनर तले वो पंजाबी फिल्म बनाते थे। मंगल ढिल्लों आखिरी बार साल 2017 में आई फिल्म तूफान सिंह में नजर आए थे। इसके बाद वो कभी किसी फिल्म में दिखाई नहीं दिए और आज खबर मिली कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मंगल ढिल्लों के निधन से सिनेमा जगत में सन्नाटा छा गया है। फैंस और सेलेब्स सभी उन्हें भारी मन और नम आंखों से याद कर रहे हैं। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मंगल ढिल्लों भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके फैंस के दिल में जिंदा रहेंगी। हम भी मंगल ढिल्लों को श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। वैसे आप मंगल ढिल्लों के कौन से किरदार को सबसे ज्यादा याद करते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं।